उसकी भी नाक न रखूं मैं, भेजा नथनों की राह करूं मिर्चों का नाश उठूं मैं, गर्व बल करे तो उनके नाक छेद, ये नाकों नकेल डलवा दूंगा, तेरे आगे बहना उन दोनों की नाक रगा दूंगा। परंतु मेरी बहन, ये दुराचार, ये अनाचार, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? उस रात तो वही अखाड़ा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? भैया मैं खरदूषण भैया के पास गई थी। अच्छा, वो अपनी सेना को सजा करके गए थे, लेकिन बड़े वाले तापस ने एक ही बार से 14,000 योद्धाओं को धराशायी कर क्या उस तापस ने 14,000 योद्धा वीरों को मार दिया? हाँ भैया, एक ही जो खर दूसरे कृष्णा, आज ये मेरे ही समान बल रखने वाले गर एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया, तो दिल में ये विश्वास हुआ कि नारायण ने कहीं ऐसा तो नहीं, ये बल कोई नारायण का अवतार है। बहन को ले जाओ, शुक्रेण वैसे इसका उपचार कराओ, और हम एकांत चाहते हैं। भवन है गए सिकंदर नीड पड़ी मिहराज, यहाँ अकेला रावण अपने सेनागार में गया, लेकिन उसको नींद नहीं आई और सोचने लगा, छोरे नारे आशोरे नागे भग माही, छोरे नारे आशोरे नागे भग माही, मोरी अनुचर के गुनाही। ये अन्याय करने से पहले तूने हृदय में ये नहीं सोचा कि जिसके बहन के नाकानों को तूने करना है, ये सुर असुर नाग मुनि किन्नर गंधर्व ये सब मेरे आधीन है। आधीन हर दूषण वो समय बलवंता कि नहीं कुमार बिन भगवंता। परंतु रावण, खर दूसर सुषमा ये दोनों मेरे समान बलशाली योद्धा, मुझे विश्वास है कि इनको बिना परमात्मा के कोई दूसरा इनको मार नहीं सकता है। सूर्य जनो भाई जनो मही भारा जो भगवान तुलीन अवतारा, कहीं ऐसा तो नहीं इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, उन दुष्टों का विनाश करने के लिए भूभार हरनाथ आए, भूभार हरनाथ आए, भक्ता ना पाल नाचे अब तीर्णा व्यंपरे चरण को क्षत्रिय आकर, ये भूभार उतारने के लिए कई क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के तो राम के रूप में नहीं आया है। तो मैं जाए बेर हट कर हो प्रभु सर प्राण तरी भगतर, अगर ये तापस परमात्मा का अंशी है तो मैं आज हट पूर्वक जाकर के इससे बैर स्थापित करूंगा, आज इसके हाथों से मर करके इस भव रूपी सागर से पार हो जाऊंगा। हो ये भजन नहीं तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृण एहा, क्योंकि इस रावण की ये तामसी देह है, इस तामसी देह से मुझसे भजन पाठ पूजा ये नहीं हो सकता है। मैं राम को बैर स्थापित करके ही इस भव रूपी सागर से तरना चाहता हूँ। जो नर रूप भूप सुत को ओ हरे हो नार जी के रन दो, ये बालक नारायण का अवतारी नहीं है, ये कोई साधारण राजा का राजकुमार है, तो बलपूर्वक मैं इसे जीतूंगा और जीत करके मैं इसको धराशायी करूंगा और इसकी पत्नी का हरण करूंगा। पहले मैं इसकी पत्नी का हरण करता हूँ, क्योंकि इसने तो नाक कानों को ही काटा है, मैं इसकी पत्नी का हरण कर लूंगा। मगर उससे पहले मैं मामा मारीच को अपना सहायक बनाऊंगा, मारीच के समीप चलता चला मामा मारीच मामा।
समय नहीं है, समय जवाब दे रहा है। सीता को देख करके सुपर खाने कुछ वार्ता करने का मन बनाया तो छोटे तापस ने बल पूर्वक पहन के नाक कानों को काट डाला। मामा उसने तो नाक कानों को काटा है मगर मैं चाहता हूं कि उसकी पत्नी का हरण कर लूं, तो तुझे क्या करना है कि तू माया का मृग बन जा, मैं बाबा जी बनाता हूं, तू रामचंद्र को बहकाना, मैं सीता को हर जाता हूं। क्या विचार है तेरा? विचार यही है पुण्य का सुनो दस सीसा के नर रूप चरा चर ईसा। तुम्हें पता नहीं है साधन नहीं है वो चरा चर के स्वामी है। कार का स्वभाव अति खंड हर गोचंड हर दूषण कृष्णा बधे मनुज की हो बड़ बड़। उन्होंने जितने राक्षस थे कार का स्वभाव हमारी मार दिया मुझको। समय नजदीक मृत्यु आजा से कोई नहीं रोक सकता। आगे राजा थोड़ी देर सोच लूं, इतना सोचने पर है ज्यादा नहीं है सोच। ऐसा है यदि इसके हाथों से मरूंगा तो नरक में जाऊंगा। ये बताओ सच पूछता हूँ प्रभु श्री राम कौन है? बोलो भगवान है। अरे सो रहे हो क्या? तुमसे पूछ रहा हूँ राम भगवान है? अच्छा उनके हाथों से मरता है कहा जाता है के लिए जाता है? तो किस किस को मर रहा है, किस किस को सोच जाना है, मेरे साथ में आ जाइए। जाओ ये कोई मरना नहीं चाहता। चल दिया आगे का काम मैं स्वयं से भरूंगा। मैं बाबा जी का रूप बना करके और अपनी माया से तू सोने का मृग बन जा, उस कुटिया के समीप सीता को बहकाना और मैं आ रहा हूँ। सोने का मृग थोड़े होता है, और सोने का मृग होता तो वो चलता कैसे? रावण एक झूठ भगवान श्री राम के सामने प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन भगवान श्री राम जी तो राम है ना, वो भी एक झूठ रावण के सामने प्रस्तुत कर रहा है। क्या कर रहे हैं श्री राम जी? यहाँ राम श्री जानकी सहित लक्ष्मण सहित विराजमान है, लेकिन लक्ष्मण जी को पुष्प लेने के लिए पठा दिया, और भगवान श्री राम मैं जानकी से निवेदन कर रहे हैं सीता मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यार ध्यान दे करके सुनो। सुनो प्राण प्रिय रोचे सुशीला मैं कछ कर ललित कर लीला। हे प्रिय सीते जिस कारण मैं इस धरती पर आया हूँ अब वो नर लीला मैं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम पावक मोह कर निवास